चलिए आगे बढ़ते। राजस्थान में 43 जगहों पर आईटी की रेड, 43 में से 10 जगहों पर कार्रवाई हुई पूरी। तिरुपति समूह और बाबा ग्रुप पर आयकर के छापे, तीसरे दिन भी जारी है आईटी की छापेमारी। अब तक 4 करोड़ रुपए की रकम बरामद कर ली गई है। गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी का आंकलन अभी हो रहा है और छापे में सामने आए हैं लॉकर्स का अभी खुलना बाकी है। तो बड़ी जानकारी देखिए यहाँ पर सामने, 43 जगहों पर आईटी की रेड, 4 करोड़ रुपए की रकम बरामद कर ली गई है। राजस्थान में 43 जगहों पर आईटी की रेड, गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी का फिलहाल आंकलन हो रहा है और ऐसे में छापे में सामने आए लॉकर्स का भी अभी खुलना बाकी है, लेकिन 4 करोड़ रुपए की रकम फिलहाल बरामद कर ली गई है। राजस्थान में 43 जगहों पर आईटी की रेड जारी है, 43 में से 10 जगहों पर कार्रवाई पूरी हो चुकी है। तिरुपति समूह और बाबा ग्रुप पर आयकर के छापे मारे गए हैं और 4 करोड़ की रकम बरामद की गई है। हालांकि गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी का अभी आंकलन जारी है, छापे में सामने आए लॉकर्स का भी अभी खुलना बाकी है, लेकिन यहाँ पर पैसों की बात करें तो 4 करोड़ रुपए की जो रकम है वो बरामद कर ली गई है और फिलहाल जो ज्वेलरी है गोल्ड और डायमंड की उसका आंकलन जारी है और ऐसे में जो लॉकर्स सामने आए उनका भी अभी खुलना बाकी है। गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी का भी फिलहाल आंकलन चल रहा है, तो ऐसे में जो हार्ड कैश है और जो अकाउंट में पैसे हैं वो सब मिला के 4 करोड़ रुपए की रकम बरामद की गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विशाल शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, बड़ी जानकारी देखिए यहाँ पर मिल रही है, 4 करोड़ की रकम बरामद कर ली गई और अभी बताया जा रहा है कि जो ज्वेलरी है, जो गोल्ड और डायमंड है, उसका आंकलन अभी जारी है और लॉकर्स भी अभी तक नहीं खुले हैं। क्या कुछ और अहम जानकारी आपके पास? बिल्कुल, प्रदेश के अलग अलग जगहों पर 43 ठिकानों पर ये इनकम टैक्स की रेड पड़ी थी 3 दिन पहले और कार्रवाई का आज तीसरा दिन है, जहां पर 2 कारोबार समूह हैं उन पर ये रेड पड़ी थी, तिरुपति समूह और बाबा ग्रुप पर, जिसके बाद आज तक मतलब आज तीसरे दिन तक 4 करोड़ रुपए की नकदी वहां पर बरामद हुई है। साथ ही गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के जो भी करोड़ रुपए के ये पूरा आंकलन लगाया जा रहा है। जिस तरह से छापे में कई तरह के लॉकर भी सामने आए जिनका खुलना भी बाकी है, ऐसे में बड़ी संख्या में लेन देन ब्याज पर ये राशि दी गई थी जिसका अब पटाक्षेप हो सकता है। साथ ही जमीन और शेयर बाजार में जो निवेश किए गए थे उनके दस्तावेज भी आयकर विभाग के अधिकारियों के हाथ लगे हैं। ऐसे में जो भी काली कमाई है वो करोड़ों हो सकती है आने वाले दिनों में। अब कार्रवाई कितने दिन तक चलती है यह देखने वाली बात होगी। आज कार्रवाई का तीसरा दिन है, ऐसे में 43 में से 10 जगहों पर कार्रवाई पूरी हो चुकी है, अभी भी कार्रवाई बाकी है 33 जगहों पर, जहां पर कब तक कार्रवाई होती है और कितने दिनों में होती है और कितने राशि उजागर होती है ये देखने वाली बात होती है। जी बिल्कुल विशाल, जिस तरह से आपने बताया कि अभी और लंबी कार्रवाई चलेगी और कितनी संपत्ति निकल कर बाहर आती है वो अभी आने वाले समय में ही पता चल पाएगा, लेकिन ऐसे में अगर हम बात करें उन 10 जगहों की जिनमें कार्रवाई जहां पर पूरी हो चुकी है, तो सबसे ज्यादा संपत्ति कहां से निकल कर आई, किसके यहां से वो छापेमारी हुई है, क्या कुछ उसकी ज्यादा जानकारी आपके पास? देखिए इसके नहीं है क्योंकि 43 जगह है और 43 जगह से सब जगह से ये राशि इकट्ठा की गई थी, एक जगह की राशि नहीं है। अब जहां पे भी ये दबिश दी गई थी उन पर ये पूरे मामला है। जिस तरह से जो छापेमार कार्रवाई जैसे जयपुर में हुई थी, सांवरा, टोंक, देवली, किशनगढ़, ये यहाँ पर ये पूरी कार्रवाई को जो इनकम टैक्स के अधिकारी हैं उन्होंने कार्रवाई को अंजाम दिया। साथ ही इस छापेमारी में करीब 300 आयकर कर्मी और पुलिस कर्मी शामिल है, जिसके तहत ही पूरे प्रदेश के अलग अलग जगहों पर जो तिरुपति और बाबा ग्रुप के जो ठिकाने हैं उन पर 43 ठिकानों पर ये कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। अभी तक कार्रवाई जारी है, ऐसे में इस तरह की कोई उजागर नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि आयकर जो अनुरक्षण शाखा की जो टीमें हैं वो इसमें जांच कर रही है। साथ ही आयकर विभाग को काफी समय से कारोबारी ठिकानों पर आयकर की काली कमाई का इनपुट मिला था, उसी के तहत इनकम टैक्स के अधिकारियों ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। जी बिल्कुल विशाल, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।